हेलो, कैसे हो आप सब? क्या हो रहा है हमारे यहाँ? देखिए क्या हो रहा है, ये देख रहे हैं, ये देखिए बहुत ज्यादा काम करके आए हैं पांडे जी। ये देखे, ये देखिए। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, कौन सा नशा करता है? पता नहीं जी। गाना सुन रहे थे, अब पता नहीं कौन कौन सा गाना निकला है आजकल। इसपे नहीं तो जो है ना कॉपीराइट आ जाएगा। कॉपीराइट हमारा गान इतना अच्छा होता है कि कॉपीराइट आ हाँ, जाए। तो फ्रेंड कल है संडे, तो संडे की ये जो सैटरडे का जो रात होता है ना, बहुत रिलैक्स वाला रात होता है, क्योंकि कल है संडे और बच्चे भी थोड़े से फ्री हैं। और ये मत सोचिए कि बच्चे का स्कूल बंद है, ऑनलाइन क्लास होता है, तो बच्चे पता नहीं, कुछ लोगों का तो यही कहना होता है बच्चे पढ़ाई नहीं करते कर नहीं करते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चे का पढ़ाई होता है। हमारे यहाँ तो बच्चे को टाइम नहीं है, और ना जाने पांडे जी ने इतने क्लासेस लगवा रखे हैं कि बच्चे को टाइम ही नहीं दिए बिजी 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 हैं बच्चे। दोनों बच्चे हमारे बिजी हैं और बिल्कुल भी टाइम नहीं। कुछ लोग कहते हैं पता नहीं ऑनलाइन क्लास है, बच्चे क्या पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे प्रॉपर 9 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़ते हैं, उनका क्लास होता है, उसके बाद जो टाइम मिलता है उसके बाद भी बच्चों का क्लास लगा हुआ है, किसी का इंग्लिश, किसी का मैथ, किसी का ड्राइंग क्लास, तो बच्चे को टाइम नहीं होता है। तो संडे, आज जो सैटरडे का रात है ना, काफी रिलैक्सिंग वाला रात है, तो पूरी मस्ती हो रही है। पांडे जी का भी मस्ती हो रहा है और पांडे जी अपना पैर दबा रहे। पांडे जी का ये डेली का है क्या, कुछ ना कुछ? रूटीन हाँ, डेली का है ये रूटीन में, रात में हमेशा बच्चे हाँ से जो है ना मस्ती होता है। मस्ती भी हो जाती है, मालिश भी हो जाती है, हमारी मसाज हो जाती है। अब ये देखिए बाबा जी 50 किलो का वजन। आर्यन तो बड़ा हो रहा है अब ये क्या है? ये क्या हो रहा है? और घर की हालत कुछ ठीक नहीं है, चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा है। अब तो रोज मैं ही मम्मा का सारा काम करता हूँ। अब बड़ा हो गया आर्यन। अब क्या काम करता है? अब नीचे से कुछ सामान आया है भाई, कूड़ा देने जाता है। गलती मार रही है परी। कौन गंदी बात है, गुड हैबिट है। सुना ना आपने, तो गुड हैबिट है। अच्छा तो कूड़े वाला आया है तो कूड़ा देना होता है आर्यन को, उसके बाद कुछ दो बार ऊपर नीचे हो जाता है कूड़ा देने के लिए। उसके बाद कुछ सामान आया है अमेजोन से या फ्लिपकार्ट कहीं से, कोई कोरियर आया है तो वो देने लेने जाना है आर्यन का। उसके बाद प्रेस वाले को कपड़ा प्रेस करने दिया है तो वो भी लेने जाता। आर्यन काफी अब काम करने लगा है, आर्यन बड़ा हो गया है और आर्यन को भी बहुत कुछ करना है। मैं इंग्लिश सीखती हूँ, मैं भी टैक्स भी लेता है आर्यन उसका। हाँ आर्यन उसका टैक्स भी लेता है, चॉकलेट एक बिस्किट। सर्विस टैक्स फ्री नहीं है यहाँ पे। बहुत टैक्स लेता है, अगर चॉकलेट बिस्किट नहीं तो 10 रुपए फाइन लगता है। क्यों मैंने हजमोला लेता है आर्यन पार्टी करने के लिए। हाजमोला तो भारी भी पड़ता है कई बार, हाजमा ऐसा बिगाड़ता है आर्यन का। हाँ, अरे पापा जी मुंह मत रखो। हाँ, हाजमोला और हिंगोली लेके आता है। तो ऐसा हाजमा कर देता है ना भाई साहब, तो पूछो। फिर ये 2 दिन तक हाजमोला को छूता नहीं। पापा जी क्यों बोलो फ्रेंड, संडे की तरफ से कुछ मीठा हो जाए। मेरी दुकान की चॉकलेट, परी के दुकान की चॉकलेट है ये चॉकलेट। परी का जो दुकान है वो देखना हो तो परी ब्लॉग पे आइएगा। हाँ, परी दिखाएगी। हैशटैग परी ब्लॉग सर्च करेंगे तो जल्दी निकल जाएगा वीडियो। हाँ, आ जाएगी। ऐसे परी ब्लॉग करेंगे तो फिर नहीं आएगा। हैशटैग परी ब्लॉग। अभी नया चैनल है, अभी अभी मोनिटाइज हुआ है। 1900 पार में सब लोग देखते हैं मेरा चैनल, सारे बड़े जो भी है सारे देखते हैं, कहते हैं कि मैं देखता हूँ, सब्सक्राइब करती हूँ, लाइक करते हैं वो लोग बार बार। और ये जो परी का ये अंदर से टी शर्ट देख रहे हैं ना, इस पे ध्यान में दीजिएगा क्योंकि इसमें इग्नोर कर दीजिए। हाँ, क्योंकि इसको क्या कर रहे हैं आजकल ना, इनर इसको बहुत ज्यादा मालिश कर रहे हैं आजकल, वो कहते हैं ना लहसुन का, लहसुन बच्ची को जैसा सर्दी खांसी हो जाता है ना, देसी वाला गौ। हाँ, तो लहसुन को पका के तेल में इसको पूरा मालिश कर रही हूँ, इसके पूरे गले में, छाती में, इसको कफ हो गया है और नाक थोड़ा सा बंद बंद सा हो रहा है। ऐसे दवाई भी दे रहे हैं,
और थोड़ा सा देसी नुस्खा भी अपनाना चाहिए, उससे बच्चे ठीक हो जाते हैं। तो थोड़ा सा दादी जी का नुस्खा, दादी जी का नुस्खा अपनाना चाहिए। तो वही आजकल लगा रही हूँ ना इसके, तो ये थोड़ा सा गंदा हो गया, इधर का नाक बंद हो जा रहा है इसका। हाँ दिखा दी। अब सोने से पहले पूरे रूम को सही करना है। What? सब लोग मिलके, पंडे जी आपका ड्यूटी, आर्यन आपका ड्यूटी, हाँ आप परी का ड्यूटी चुपचाप बिस्तर पे जाके सो जाने का। ना ना ना, हाँ फिर सही है, फिर सही है। नहीं नहीं, नहीं मैं भी करूंगी। ये परी ने यहाँ पे क्या छुपा रखा है? आ मेरा, वो मेरा आपके कपड़े निकाला। ये रिंग लाइट हमने लाया है कल। हाँ दिखाती हूँ। आप लोग को चाहिए तो ये वीडियो हमारा देखिएगा दिल्ली एनसीआर चैनल पे। ये आया है फ्रेंड रिंग लाइट, और तो ये कुछ चाहिए तो जैसे लोग टिकटॉक या फिर मौज वोज पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, अब तो टिकटॉक से ज्यादा। में गैजेट चाहिए ना आप लोग को तो दिल्ली एनसीआर चैनल पे वीडियो देखिएगा। 5 रुपए का गैजेट है। क्यों देखेंगे? मेरे चैनल पे भी आ जाइएगा। क्यों देखेंगे? आपके चैनल पे प्रमोशन कर रहे हैं लाइव में। सब लोग पापा को ही बुला देते, पापा देते। कुछ लोग आ जाइएगा भाई, व्यूज कम आ रहे हैं। मेरे पप्पू के पास आ जाना, मेरे पप्पा। फ्री प्रमोशन हो रहा है। ये आपने रिंग लाइट देखा ना, चैनल पे जाना। मैंने एक प्रैंक भी किया मामा के साथ रिमोट वाला, तो देख लीजिएगा। ऐसे ही रहने दो, वो ऐसे ही दिख जाएगा। 12 बजे रात को बंद ही रहने दो। तो ये हमने रिंग लाइट मंगवाई थी, और लेना तो बड़ा था, बड़ा मिला नहीं, मिला नहीं, तो हमने छोटा ले आया है। तो बस यही सब हो रहा है, कुछ कुछ सामान सब देख रहे थे, ये लाइट भी जला के देख रहे थे अभी ऐसे। कल पांडे जी ने एक शूट किया था वीडियो ऑफिस पे। कुछ कुछ चीजें मुझे चाहिए होता है जब हम लोग वीडियो शूट करते हैं ना, आप तो देखते ही हैं, हमारे जो कॉर्नर हैं इसपे हम कुछ कुछ लगाते रहते हैं। तो प्रोफेशन ऐसा है ना, एक चीजें बहुत दिन तक चाह के भी नहीं रख सकते हैं, बोर से होने लगते हैं। तो थोड़ी 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 चेंजेस करते रहते हैं, और हमारी आदत है, कहते हैं ना हरकत में बरकत है, तो कुछ कुछ करते रहता हूँ, इधर का उधर, उधर का उधर, थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है। आप ना घर में करते रहना चाहिए, इससे ना कुछ अच्छा ही होता है। आप कोई भी चीजें पड़ी पड़ी ना एक जगह पे, पानी भी एक जगह अस्थिर रहता है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो चलते रहना चाहिए, मूवमेंट होने चाहिए लाइफ में भी हमारी। ऐसा नहीं आप एक ही काम कर रहा है कर रहा है कर रहा है, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी इधर उधर, थोड़ा सा घूमना फिरना, पागलपन, ये होना चाहिए इंसान के अंदर, थोड़ा सा पागलपन जो अभी हमारे घर में हो रहा है। और अभी क्या बताओ, हमारे घर में ऐसे कॉफी बनता है तो इतना कॉफी बनता है पूछिए मत। और अभी एक हफ्ते से कॉफी 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 ही कॉफी कर रहे हैं, किए जा रही ठीक है, कॉफी नहीं आ रहा है। तो कॉफी खत्म है हमारे घर में, कॉफी नहीं आ रहे हैं। अब बताइए मैं कैसे पीऊं कॉफी? सब लोग आते नीचे भी जा रहे हैं, वॉक करने जा रहे हैं, पास में दुकान है फिर भी भूल जा रहे हैं, घर आते हैं तो फिर लगता है कॉफी नहीं लाए। अब बताइए लाएंगे अभी क्या पिए? नींबू रखा हुआ है, नहीं है खत्म हो गया है? ग्रीन टी है, ग्रीन टी पीजिए, ग्रीन टी हेल्दी चीज, अच्छा नहीं लगता ग्रीन टी, पता नहीं। जो चीजें अच्छी नहीं लगती ना वो फायदा करती है, जो ज्यादा टेस्टी लगती है वो नुकसान ही करते ज्यादातर। अब देखिए जैसे कि रसगुल्ला बहुत टेस्टी होता है लेकिन वो नुकसान करता है। नुकसान किसको करता है? जो पूरा का पूरा बोतल घटास एक दिन में करता है ना, तो हाजमोला उसके हाजमे को हाजमा देता है। ये करता है ये दोनों, एक मांगूंगी ना, चलो एक मुझे एक कर करके दिन में 12-14 हाजमोला खा लिया, और उसके बाद जब शुरू होता है भाई साहब फिर तो पूछो मत। क्यों बेइज्जती मार रही है मेरे भैया का, इतना बोल रही हूँ क्यों बेइज्जती मार रही है मेरे? हम तो मारेंगे बहुत। चलो मैं सब लोग वही वाला गाना गाते हैं, पटानी जी को नेता नेता चलता है एक निकल निकल। ये 2021 जब से आया है ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हम लोग,
हर दिन कुछ 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 प्लानिंग हो रही होती है, प्लानिंग हो रही है। बहुत सारे लोगों को तो ये भी लगता है कि 2021 आ गया तब कोरोना खत्म, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जो है तब उसी के साथ ही चलना पड़ेगा। दवाई निकल गई है दिल्ली में तो लगना भी स्टार्ट हो गया है, जो और जो हॉस्पिटल वगैरह में तो अलाउ कर दिया है लगाना, आम जनता तक देखिए कब तक आती है। बाकी बेटर है, एक जो फियर था दिमाग में लोगों के, जो डर था, वो चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही है, बैक है लाइफ। और पापा जी अब बड़ी तेजी से काफी सारे लोग उभर के निकले हैं इससे, और बहुत अच्छा काम भी हो रहा है बहुत सारे लोगों का। बहुत सारे लोगों ने 2020 बहुतों के लिए नुकसान रहा है पंडित जी, बहुत सारी दिक्कतें आई ना। नुकसान तो हुआ है बहुत ज्यादा, बट कुछ लोगों के लिए एक फायदा भी हुआ है, नया अवसर भी मिला है, नया मौका। सच कहें तो ये 2021 आते आते एक मुझे भी बहुत बड़ी सी खुशियां मिली है। एक नहीं कहूँ, मुझे दो डबल वाली खुशियां मिली है। 21 जैसे 21 आई मुझे बहुत बड़ी खुशियां मिली है, डबल खुशी। क्या बताऊँ खुशी क्या है, कितनी प्रॉब्लम था, कितनी परेशानियां थी, बहुत सारी चीजें थी। ऐसे क्या होता है ना, सारी बातें हम कैमरे के सामने नहीं कर पाते, आधी अभी भी मैं आधी अधूरी बातें बता रही हूँ, बट हमारे लिए भी बहुत अच्छा रहा। पापा जी जैसे आप छोटे छोटे जो हमारे क्लिनिक के दुकान है, मतलब जो हमारे मेडिसिन के शॉप है, वहां पर भी ये कोरोना की दवाई जल्दी मिलने लगेगी ना? आएगी तो हर जगह मिलेगी तो अभी, और ये फ्री दवाई होगी, इसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे। हैं? जैसे पोलियो वगैरह की दवाई पिलाते हैं ना, तो इसी तरह की ये दवाई, ये टीका लगेगा सभी को सरकार की तरफ से। तो ये 3 डोज लगेगा ना इसका? 2 डोज है। दो डोज क्या होता है? 2 इंजेक्शन लगेगा, 2 बार लगेगा, 1 बार लगेगा, फिर 10-15 दिन के बाद दूसरा लगेगा। वो सभी को लगेगा? हाँ सभी को लगेगा। अंदर काम करते करते, कुछ भी करते करते अपने आप ही खत्म हो जाएगा वो सब कुछ, कोरोना वायरस अगर होगा अभी तो खत्म कैसे हो जाएगा? जिसको होगा उसका ट्रीटमेंट होगा, इसको नहीं। ये तो प्रिवेंशन के लिए होता है ना, कि भाई कम हो जाए, कम नहीं हो ही ना। जैसे एक बार टीका लगा दिया तो उसको वो चीज नहीं होगी, कोरोना असर नहीं करेगा, उसके अंदर एंटीबॉडी बन जाएगा उस तरह से, तो नहीं होगा। उसके पार्ट्स और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे उसके अंदर के जो एंटीबॉडीज हैं। तो चलिए आज की व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, मस्ती वाला ब्लॉग। शुभ शनिवारी आप लोगों को, हैप्पी सैटरडे एंड हैप्पी संडे। रात तो हो ही गई है, थोड़ी देर में संडे का आगाज हो जाएगा। बस 5 मिनट बचा, 15 मिनट बचे, 10-15 मिनट। तो यहीं पे खत्म करते हैं सैटरडे में, संडे को ये ब्लॉग आपको मिल जाएगी। नहीं मैं तो अभी पब्लिश करने वाली हूँ, तो संडे को ही मिलेगी 10 मिनट। ओ हाँ संडे को मिलेगी, मतलब अभी ही मिलेगी, संडे को मिलेगी। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।